ए हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में जो है कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट लिखे थे। ठीक है, उसमें हमने ये बताया था कि हेलो एरीन क्या होते हैं और हेलो एल्केन क्या होते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे और उनका उपयोग हमारे जीवन में कहाँ कहाँ पर होता है उनके भी हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे, जैसे कि DDT, ठीक है, BHC, क्लोरोफॉर्म और हमारी जो फ्रियोन गैसेस होती हैं उनके रूप में, ठीक है, CFCL गैसों के रूप में। और मैंने आपको बताया था कि इनका जो है उपयोग कैसे किया जाता है, हर एक के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, अब उससे आगे हम चलते हैं, तो अगला हेडिंग डालना, आज हम पढ़ेंगे हेलोजन व्युत्पन्नों का वर्गीकरण तथा नामकरण। हेलोजन जी व्युत्पन्नों का वर्गीकरण तथा नामकरण। ठीक है, फ्रियोन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारी एसी, फ्रिज वगैरह जो ठंडे करती है ना, उनमें काम आती है ठंडा करने के लिए। ठीक है, सूत्र क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का? इसका सूत्र होता है CCl2F2, मतलब Cl फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर डाइक्लोरो डाइफ्लोरोकार्बन के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, हाँ, हम तो हमारे टॉपिक पर आते हैं। अब हम जो है हम देखेंगे कि जो हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं या जो हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स होते हैं ये किस प्रकार से वर्गीकृत हो सकते हैं। हम सबसे पहले हेलो एल्केन के वर्गीकरण की बात करेंगे, फिर हेलो एरिन के वर्गीकरण की बात करेंगे। अब हम जानते हैं कि अगर वर्गीकरण शब्द आएगा तो जनरली हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है, क्योंकि कार्बन है तो टेट्रा तक हो सकता है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम कर सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना, इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, एक एक करते करके जो है डिवाइड करते चलेंगे। सबसे पहले लिखना, हेलो एल्केन में उपस्थित हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हेडिंग डालने के बाद में लिखो हेलो एल्केन में उपस्थित हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, डाई, ट्राई, मोनो, डाई, ट्राई, डैश डैश एक्सेट्रा में बांटा जा सकता है ठीक है, हम क्या करेंगे, मोनो देखेंगे, मतलब एक हेलोजन परमाणु वाले। मोनो मतलब हम जानते हैं, मोनो शब्द का मतलब होता है एक, डाई का मतलब, ट्राई का मतलब, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ओक्टा, इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, वैसे जनरली हमारे 3 से ज़्यादा काम नहीं आते हैं, 3 तक हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो अगर एक होगा तो, अरे बोलो, 2 3, आ गई बात समझ में? ठीक है, अब सबसे पहला वर्गीकरण हम किसका पढ़ेंगे, तो फर्स्ट हेडिंग डालो मोनो, मोनो हेलोजन व्युत्पन्न या मोनो हेलो एल्केन्स या मोनो हेलो एरिन्स, सबसे बढ़िया है मोनो हेलोजन व्युत्पन्न, मोनो हेलोजन व्युत्पन्न, मोनो हेलोजन व्युत्पन्न। ठीक है,
अब मोनो हेलोजन व्युत्पन्न में हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे दो चार, और उनका तुमको क्या करना है, सिंपल सा नाम देना है बस, और कुछ नहीं करना, क्योंकि और कुछ बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं। हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कि जो एल्केन होते हैं उनमें एक हेलोजन परमाणु जुड़ा होगा। अब कोई सा भी हेलोजन परमाणु हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं 7-8 नाम दूंगा, सॉरी 7-8 सूत्र लिखूंगा, आपको नाम देना है। एक काम करते हैं अपन, 5 के मैं तुमको सूत्र लिख कर देता हूँ, तुमको नाम लिखने हैं, और 5 के मैं नाम लिख दूंगा, तुमको सूत्र लिखने हैं। दोनों काम हमारे हो जाएंगे, नाम से सूत्र बनाना भी आ जाएगा और सूत्र से नाम बनाना भी आ जाएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के बेसिस पर उसको समझा भी दूंगा। सबसे पहला हम देखेंगे CH3Cl, C2H5, Br, CH3Cl, पांच मैंने ऐसे दे दिए। अब 10-5 जो है वो नाम वाले दूंगा, तुमको जो है संरचना सूत्र बनाना है। C2H5, ठीक है, मतलब CH3CH2 है ना, इसका है 2 क्लोरो, दो नाम। मैं इसमें जो है इनको डिवाइड भी कर सकता था, शाखित भी बना सकता था, मैंने सारे सिंपल वाले दिए हैं क्योंकि हम शाखित 1 degree, 2 degree, 3 degree में देख लेंगे, है ना, इस वजह से मैंने यहाँ पर नहीं दिए हैं, सिंपल वाले दिए हैं, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश करना एक बार में आ जाए तुम लोगों को। दे नाम, मेरी शक्ल क्या देख रहा है, इतना हैंडसम थोड़ी ना हूं मैं, मेरी शक्ल मत देख, जल्दी नाम दे, नाम दे, मुझे मत दिखा। जल्दी दो नाम, आज कौन कौन गायब है, सेफ कहाँ गया, हाँ और कौन गायब है, अरे और कौन कौन गायब है भैया, इधर से भी तो गायब है ना, इधर से कौन कौन गायब है, वो कहाँ है मोशन वाला, ये बैठा हो तो तेरे साथ आता था, और कौन कौन गायब बताओ ना यार, वो रहा एक, कम कम से क्यों लग रहे हो, फिर ये दो बढ़ गए फिर भी कम लग रहे हो तुम लोग, तुम तो दो नए हो ना, कल आए थे क्या, कल भी आए थे, चलो कोई बात नहीं, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बेचारी अकेली बैठी है, तू भी तो किसी को पकड़ के लाई, ये डेली डेली नए नए को पकड़ के लेकर आते हैं इतने सारे, तू भी तो किसी ना किसी को पकड़ के लेकर आ, हाँ मेरी तरफ मत देखो, नाम दो, आए बात समझ में, सर
जी क्यों? अभी बोर्ड पे सिखाऊंगा तो टेंशन काय को ले रहा है? दिक्कत वो है ना, खोल के जाना पड़ेगा वहां तक, है ना। इसको हटाऊंगा फिर वापस लगाऊंगा। चालू ये नहीं आऊं मैं तेरे पास, तो बिल्कुल ही नहीं आऊं। उनने तो 11th ही नहीं पढ़ी, तू तो पढ़ी है। और तेरे को नाम देने यार, सामने है ना छोटी सी नाली बेरी है तेरे लिए, एग्जैक्ट है, माँ भी जाएगा तो उसमें, है ना। नाक डूबनी चाहिए बस। बाय वाला है ना तू, तो कह रहे बाय में मैं थे। अब फिर तो समझदार है तू, नाक डूबनी चाहिए बस। मैं मैथ वालों को तो समझाना पड़ता है माना कि, है ना, तो इस वजह से। अब बाय वाले समझदार होते हैं। जल्दी करो, नाम दे, नाम आए बात समझ में। तुम्हारे नाम चेक करूंगा मैं हर एक के, इन तीनों चारों को छोड़ के। ये भी कच्ची कोठी में आ रहे हैं, 2, 5, 8, 15 दिन और देख लेते हैं इनको क्या। हाँ अगर तुम पढ़ाई करोगे तो कहाँ कर रहे घर पे पढ़ाई तुम? मेरी बात सुन, 11th क्लास की बुक है ना, बुक है, किसी से जुगाड़ कर लो, कोई होगा ना जान पहचान का, किसी से ले लो। 11th क्लास की बुक में चैप्टर नंबर कौन सा था? तीसरा है आई थिंक, तीसरा है पांचवा, उसमें सारे नियम कायदे कानून लिख रहे हैं, या फिर मैंने लिखवाए हैं ना, नहीं लिखवाए क्या उसमें? लिख रहे हैं यार सारे। या फिर 10वीं की बुक है ना तुम्हारे पास, 10वीं की तो है ना सबके पास। 10वीं की बुक में कौन सा चैप्टर था? कार्बन और उसके यौगिकों वाला, कार्बन और उसके यौगिक करके चैप्टर था एक, उसमें है सारे नियम। कल ले आना, मैं बता दूंगा, ठीक है, कल बुक ले आना यहाँ पे, वो नियम पढ़ोगे तभी नाम देने में मजा आएगा। हाँ आइडो, हाँ डेकेन लिखना मुझे, बढ़ाना भी तो है ना, कार्बन भी तो बढ़ाना पड़ेगा मुझे। सब कुछ अभी बोर्ड पे दूंगा, तू बताना मेरे को कितने सही है। कल आया था नहीं आया था सिर्फ? पूछेंगे तो सही, क्यों नहीं आ रहा भैया तू? हेलो हेलो, सलाम अलैकुम, हेलो, कोचिंग क्यों नहीं आया? ठीक है, हाँ किस किसने दे लिए नाम? 1, 2 बाकी थोड़ा दे लिया उसने, आई बात समझ में? हल्के मतलब ना उसे, तेरे टक्कर का इंसान हो, 7 तो दिए ना। अरे तूने कितने दिए? तू दूसरी कॉपी में देख, तेने कितने दिए? क्यों? हाँ भाई साहब, ओए तूने, तेरे 11th में साइंस नहीं थी क्या? फिर तू चारों की तरह कैसे है? साइंस तो थी ना लेकिन, हाँ बस वो साइंस थी, बस उसी में सब कट गया, आई नहीं आई वो तेरी दिक्कत है। दे लिया नाम, कितने दिए? 1, 2, 4 एक आई नहीं, एक भी। तेरे 2 आए, चलो तेरे
एक भी नहीं आया। देखो सबसे पहले नाम कैसे, सबसे पहले नाम कैसे दिया जाता है, कार्बन की संख्या को देखी जाती है। देखो बहुत सारे नियम होते हैं, नियमों में फंसोगे तो फंसते रह जाओगे। हम देखेंगे छोटे छोटे से, ठीक है। छोटा सा है एक कार्बन वाला, ठीक है। तेरे कितने दिए पहले तू तेरी बता। नो, अच्छा एक कार्बन वाला है और एक कार्बन के लिए शब्द यूज किया जाता है मेथ। क्या शब्द यूज होता है, मैं लिख देता हूं साइड में, एक कार्बन के लिए एक कार्बन, एथ दो कार्बन, प्रोप अरे तीन कार्बन, ब्यूट हेलो वालेकुम सलाम कोचिंग पे हूँ यार, मैं बांगड़ से नहीं आऊँ यार, नहीं नहीं मेरा आना नहीं, मैं कोचिंग पे हूँ। नहीं 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 तेरी बाजी कहाँ है, जो घर छोड़ दी थी क्या, कितने देर में, ठीक है चल ठीक है ना, मैं कोचिंग पे हूँ ना। अब देखो सी का मतलब है कार्बन, सी का मतलब क्या है कार्बन, ठीक है। सेप्ट हेग्ज, हेग्ज सेप्ट ठीक है। हाँ देखो एक कार्बन के लिए क्या शब्द यूज होता है, जोर जोर से बोलो यार, दो के लिए तीन, चार, पांच, छ, सात, नौ, एक बार में कॉन्सेप्ट बिगड़ गए, ध्यान दो मैं बोल क्या रहा हूँ, आठवें पे उंगली रख रखी लेकिन पूछ न हुआ रहा हूं मैं, आए बात समझ में। हाँ एक के लिए बोलो ना यार, इधर से सुनना चाह रहा हूं मैं, इधर से एक कार्बन के लिए पड़ गया ना फर्क, एक कार्बन के लिए, दो के लिए, तीन के लिए, चार के लिए, पांच के लिए, छह के लिए, सात के लिए, आठ के लिए, नौ के लिए, दस के लिए, ठीक है। अब यहां पे देखो कितने कार्बन, वैलेंसी वगैरह कार्बन की चार होती है बस, ठीक है, चार बॉन्ड बनाने हैं, अगर डबल हो ट्रिपल हो तो ठीक है, नहीं हो तो हाइड्रोजन जोड़ दो, आगे मेरी बात समझे। चार बॉन्ड बनाता है, एक से तो क्लोरीन जुड़ रहा है, और ना डबल है ना ट्रिपल है तो सब जगह पे क्या कर देंगे, हर जगह पे एक हाइड्रोजन जोड़ देना है, ठीक है। अगर डबल ट्रिपल हो तो ठीक है, दूसरा परमाणु हो तो ठीक है, और नहीं हो तो हाइड्रोजन जोड़ दो हर जगह पे आंखें बंद करके, ठीक है। हाँ तो एक कार्बन है, क्या शब्द आएगा, मेथ, ठीक है। और अगर सिंगल बॉन्ड होता है, अगर क्या हो, एक बॉन्ड एक बंध, तो होता है एन शब्द यूज, क्या शब्द यूज होता है, और अगर द्विबंध हो तो, द्विबंध हो तो इन, और अगर त्रिबंध हो तो, अरे बोलो ना आगे बात समझ में, एक हो तो एन, दो हो तो इन, और तीन हो तो, ठीक है। अब नाम दे, नहीं होते चार, चार बना लेगा तो फिर दूसरे से कैसे जुड़ेगा, दूसरे से भी तो जुड़ना है ना, ठीक है। अब देखो एक कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो आ जाएगा मेथ प्लस एन, तो क्या हो गया, मेथेन, ठीक है। लेकिन मेथेन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, अरे क्लोरीन क्या जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मेथेन से पहले उसको लिखेंगे, क्या करेंगे, मेथेन से पहले उसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, क्लोरो मेथेन, ये आईयूपीएसी नाम हो गया, क्या हो गया, आईयूपीएसी नाम। अगर मैं मेथिल क्लोराइड लिखूंगा तो फिर वो जो है सामान्य नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथेन, क्या हो गया, आगे समझ में, कैसे दिया, एक क्लोरीन है तो मैंने क्लोरो लिख दिया, एक कार्बन है तो मेथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्लोरोमेथेन, ठीक है। दूसरा नाम दो, कितने कार्बन, अरे बोलो, दो कार्बन, क्या हो गया,
एक बोला है। दो कार्बन के लिए एक। अरे बोलो एथ। तो अब एथेन के पहले कुछ लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? ब्रोमो। क्या लिखेंगे? ब्रोमो। अब एक कार्बन था तो एक लिखो, दो लिखो, एक पे तो एक ही जगह फिक्स है ना। लेकिन अगर एक से ज्यादा कार्बन होते हैं तो हम उसकी स्थिति भी दर्शाते हैं, कौन से वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब किधर वाले से जुड़ा हुआ है तो हम ये देखेंगे कि किधर वाले से पास है। अगर मैं इसको खोलकर लिखूं तो ये खुलकर कैसे लिखेगा? CH3 CH2। अब मैं अगर इधर से नंबरिंग करता हूं तो ये कौन से नंबर पर आ गया? दूसरे नंबर पर। लेकिन अगर इसके पास वाले से करूंगा कार्बन से गिनती तो कितने नंबर पर आएगा? एक नंबर पर। तुम चाहोगे कि तुम दूसरे नंबर पर आओ? नहीं चाहोगे ना। तो मैं कौन से नंबर पर रखूंगा इसको? एक नंबर पर। तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा? ब्रोमो। चाहूं तो मैं लिख सकता हूं वन ब्रोमो एथेन, ठीक है, वन ब्रोमो एथेन। लेकिन तुम जानते हो कि एक का कोई मान, अरे बोलो ना, नहीं होता, नहीं होता। तो मैं क्या कर दूंगा? एक हटा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? अरे बोलो, आ गया समझ में? नेक्स्ट ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? CH3। अब ये थोड़ा बाद वाली बात है लेकिन नाम देना था तो इस वजह से मैंने इसको भी जो है बीच में ठूंस दिया। बेंजीन के ऊपर अगर मेथेन CH3 जुड़ा होता है तो ये टोलुइन कहलाता है। क्या कहलाता है? टोलुइन। क्या कहलाता है? टोलुइन, ठीक है। अब ये बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? मेथेन, मतलब मैं इसको टोलुइन बोल दूंगा, ठीक है। अब यहां से इसको एक नंबर मानूंगा, इसको क्या मानूंगा? एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। कौन सी स्थिति पर जुड़ा हुआ है? तीसरी स्थिति पर। तो मैं क्या लिखूंगा? 3-chloro और फिर उसके बाद में आ गई बात समझ में, ठीक है। ये समझ में आ जाएगी धीरे धीरे, इन पे लोड मतलब तुम सीधी श्रृंखला वालों पे लोड लो, ठीक है। दूसरा है OH समूह जुड़ा। अब देखो बेंजीन सेम है लेकिन पहले CH3 जुड़ा हुआ था, अब क्या जुड़ा हुआ है? OH। तो इसको क्या बोल देंगे? फिनोल। क्या बोलेंगे इसको? फिनोल। वही कौन सी स्थिति पर है? पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, दूसरी स्थिति पर है तो क्या बोलूंगा? 2-fluoro फिनोल। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब इसमें तो बेंजीन है और सिर्फ क्लोरीन है तो हम ये आड़े टेढ़े नाम तो देंगे नहीं, सिर्फ क्या देंगे? बेंजीन। तो क्या हो जाएगा? और काउंटिंग एक नंबर इसी से करेंगे तो एक नंबर हम लिखते नहीं है तो नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो बेंजीन। आ गया समझ में? अरे सही है, कितने अणु के पांचों सही है? तुझे हाथ नीचे रख, 1, 2, 3। तेरा भी सही है, दो गलत है। टोलुइन वाला तेने क्या दिया था नाम? तेरा तो बिल्कुल, तेरा सही है ना? समझ में आ गए कैसे दिए नाम तेरे? पीछे समझ में आ गए? इधर से कितने गलत हैं? सारे गलत हैं। तेरे दो गलत हैं। दूसरे वाले का ये वाला समझाऊं, देख हम जो है इसको अगर एक कार्बन है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा कार्बन होते हैं 2, 3, 4, 5, 6 फिर हमको बताना पड़ता है कि कौन से वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। भाई मेरे को थोड़ी ना पता है कौन से वाले, नाम से अगर मैं नहीं लिखूंगा तो कैसे पता चलेगा कौन से वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है? तो मुझे उसको क्या करना पड़ता है? संख्या दर्शानी पड़ती है, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पर दो कार्बन है, अभी तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, लेकिन सपोज करो यहाँ पर कुछ और जुड़ा हुआ होता और यहाँ पर कुछ और जुड़ा हुआ होता, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता? इसकी स्थिति अलग लिखता, उसकी स्थिति अलग लिखता, लेकिन अभी एक ही लिखा हुआ है। मैं क्या लिखूंगा? 1-bromoethane, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं एक को हम लिखते ही नहीं है, नहीं लिखते ना, तो मैं एक को लिखूंगा भी नहीं तो ब्रोमो एथेन हो जाएगा। आगे बात समझ में? लेकिन अगर दूसरी स्थिति पर होता तो 2-bromoethane, तीसरी पर होता तो 3-bromoethane। दूसरा कौन सा था? हाँ, एथिल ब्रोमाइड। वो अपने वो अभी दिमाग मत लगा, वो पहले स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ना तब समझ आएगा। सारा एक साथ ज्यादा खा लेगा तो दस दस लग जाएंगे। इधर देखो, ये तो उतार लिया ना, ये मिटा दो ना, ये तो ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखना, हाँ, 2-chloropropanol। अब ऐसे ऐसे सवाल आ जाए जिसमें नाम दिया हो और तुमसे क्या पूछा हो?
श्रृंखला पूछी हो, सूत्र पूछा हो, तो क्या करोगे? सबसे पहले पता लगाओगे कार्बन कितने हैं। लिखा है ना, अभी तो लिखा ही है, जस्ट कितना है प्रोब का मतलब तीन, कितने हैं ठीक है। और फिर एक चीज देखना, एन शब्द भी यूज हो रहा है, मतलब सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है मतलब ये मैंने सबके साथ ये बॉन्ड बना दिया, अभी मैंने जोड़ा नहीं किसी को भी, क्यों नहीं जोड़ा उसके पीछे का भी रीजन दूंगा मैं ठीक है। अब उसके बाद में कौन सी स्थिति पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, दूसरी स्थिति पर, तो ये मैंने क्लोरीन जोड़ दिया। आ गए बात समझ में। अब ये जो नोल शब्द है ना, नोल ये किसके लिए आता है, एल्कोहल के लिए। किसके लिए आता है, एल्कोहल मतलब ओएच समूह को एल्कोहल बोला जाता है ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, ओएच जोड़ दिया ठीक है। अब देखो यहां से काउंटिंग करूंगा, एक दो, दूसरी स्थिति पर क्लोरीन आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस इसकी वैलेंसी फुल करनी है, सब जगह पर क्या जोड़ दूंगा, हाइड्रोजन जोड़ दूंगा, ये बन गया ठीक है, CH3CHCl CH2OH। आ गई बात समझ में, अरे समझ में आ गया, कैसे दिया, कोई दिक्कत, हाँ बोल 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 बोल, शर्माना किसी को भी नहीं आता यहाँ पे, तू बोल। तीसरे नंबर पे आने में नहीं, कार्बन से गिनेंगे ना, कार्बन एक, कार्बन की संख्या देखते हैं अपन, और किसी को नहीं देखते। कार्बन एक, ये वाला कार्बन दो। अब तुम ये कहोगे सर वहां पे तो आपने यहां से इस वाले से काउंटिंग स्टार्ट की थी, यहां पर आपने ओएच से काउंटिंग स्टार्ट की, ऐसा क्यों? तो ये डिपेंड करता है, ये जो है ना ये है प्रतिस्थापी, ये क्या है और ये है क्रियात्मक समूह। अब ये प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह क्या होता है, हम धीरे धीरे आगे समझेंगे। अब ये देख लेना, अगर सिर्फ Cl के साथ में अगर OH आता है तो OH से गिनती स्टार्ट करेंगे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि Cl जो है वो सबसे कम नंबर पर आए, तो सबसे कम नंबर पर दूसरे नंबर पर ही आ रहा है ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, अगले नाम की तरफ चलते हैं। ये क्या है, थ्री ब्रोमो प्रोपेनेल। सबसे पहले क्या देखेंगे, कार्बन, कार्बन मतलब कितने, तीन कार्बन, कोई दिक्कत, प्रोपेनेल, एन शब्द आ रहा है बीच में, एन मतलब प्रोपेन, एन, एन के, अरे तू रुक जाना यार, एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ठीक है। वो मैंने क्या एग्जांपल गलत दे दी, क्रियात्मक समूह वाले नहीं देने चाहिए थे, है ना, हाँ प्रोपेनेल ठीक है। अब ये जो एल शब्द है ना, एल शब्द, ये एल शब्द आता है सी एच ओ की वजह से, इसको क्या बोलते हैं, कीटोन बोल, सॉरी एल्डिहाइड बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, ये क्या है एल्डिहाइड, जैसे ये ओएच है क्रियात्मक समूह, वैसे ये भी क्रियात्मक समूह होता है ठीक है। टोटल 20-25 क्रियात्मक समूह होते हैं, उनकी एक पूरी सारणी होती है, वो मैं तुम लोगों को दे दूंगा, उसमें तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं और कौन से प्रतिस्थापी होते हैं ठीक है। क्लोरीन क्या है, प्रतिस्थापी, और OH और CHO क्या है, क्रियात्मक समूह। आगे बात समझ में, तो ये CHO हो गया, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड ये ठीक है, और यहां पर अब देखो कौन सी स्थिति पर है, तीसरी स्थिति पर है, तो एक नंबर इसको दूंगा, दो नंबर इसको हो गया, और तीसरे नंबर इसको दे दिया, क्या हो गया, अच्छा आ रहा है, हाँ हाँ ठीक है ये लो ठीक है। अब मैं इससे जोड़ू, इससे जोड़ू, इससे जोड़ू, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी से भी जोड़ दो, जोड़ना हमको क्या है, ब्रोमीन है ठीक है। अब हमने ये भी जोड़ दिया, एन शब्द जो एल शब्द है वो इसकी वजह से है, ब्रोमो शब्द इसकी वजह से है, सब कुछ हो गया फिक्स, सिंगल बॉन्ड है सब में ठीक है। अब क्या करना है हमको, हाइड्रोजन भरना है हर जगह पे। तुम अगर ऐसे खोल खोल कर नाम लिखोगे ना तो समझ में जल्दी आएंगे, अगर तुम डायरेक्ट कॉम्प्लिकेटेड C2H5 C3H7 इस तरीके से लिखोगे तो समझने में दिक्कत आएगी, हम तो समझ जाएंगे लेकिन प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। आगे बात समझ में, तो हमने भी पहले स्टार्टिंग में इसी तरीके से सीखा था ठीक है। नेक्स्ट नाम, यहां तक हो गया अपना, कहां तक, यहां तक ठीक है। अगला है ऑर्थो क्लोरो फिनोल, क्या है, ऑर्थो क्लोरो फिनोल। अब यहां पर देखो, हमने फिनोल शब्द यूज किया था कहीं पे इसके लिए, और मैंने तुमसे कहा था जब बेंजीन के ऊपर OH समूह जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, फिनोल। तो सबसे पहले तो आंखें बंद करके क्या बना दो, बेंजीन जिसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ हो। आगे बात समझ में, कौन सी स्थिति पर है, ऑर्थो मतलब क्या होता है, ऑर्थो का मतलब होता है दो, ऑर्थो का मतलब क्या होता है, ऑर्थो का मतलब दो, मेटा का मतलब तीन, और पेरा का मतलब
अभी वो सर डाई ट्राई टेट्रा में भी दो तीन चार बोल दिया, मोनो डाई ट्राई उसमें भी दो तीन होता है और इसमें भी दो तीन, क्या चल क्या रहा है, ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी स्थिति को जो लिखते हैं ना बेंजीन वाले की जो स्थिति देखते हैं, अगर ये वाली स्थिति है तो इसको बोलते हैं ऑर्थो, ये वाली स्थिति है इसको बोलते हैं मेटा, और ये वाली स्थिति होती है तो इसको बोलते हैं पेरा। क्या कह रहा है, ऑर्थो लिखवा दिया ना, ये रहा ना, ये इनका कोई सारणी बनाने की जरूरत नहीं है। एस सुन मेरे, हाँ हाँ वो मैं समझ गया, वो ऐसा कुछ नहीं आता। ये बेंजीन वाले में सिर्फ तीन तक की, सॉरी ये एक तो ये खुद हो ही गया, दो तीन चार बस यहीं तक आएगा, क्योंकि यहां पर जाता, यहां पर जाऊंगा तो इधर से काउंट करूंगा तो दूसरा नंबर आ गया ना वापस से, आएगा नहीं आएगा, मैं अगर यहां पर मानूंगा तो यहां इधर से गिनूंगा तो कौन सा नंबर आ जाएगा, दूसरा, इसको मानूंगा तो पहला, पहला आएगा ना, आगे बात समझ में। तो वही बात है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है हमको, पहला दूसरा तीसरा, सॉरी दूसरे के लिए ऑर्थो, तीसरे के लिए मेटा और चौथे के लिए पेरा। ठीक है, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम जी 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 जी, ठीक है सलाम। अरे यार तुम छोड़ो, सत्रह टेंशन है। हाँ आ गया समझ में, ऑर्थो समझ में आ गया, ऑर्थो का मतलब दो, मेटा का मतलब तीन, पेरा का मतलब चार। ठीक है मिटाऊं, अब दोबारा से नाम देने की कोशिश करेंगे हम। अब ऑर्थो का मतलब कितना था, दो, अरे बोलो दो, दो। तो पहले मैं फिनोल बनाऊंगा, ये फिनोल बना लिया, ये क्या बना लिया मैंने, ऑर्थो मतलब दूसरी स्थिति पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो, तो ये मैंने सीएल जोड़ दिया, ये हो गया नाम ऑर्थो क्लोरोफिनोल या फिर टू क्लोरोफिनोल। आगे मेरी बात समझ में, ये वाला नाम दे। अब देखो यहां पर क्या है, टू क्लोरो एथ मतलब कितने कार्बन, अरे बोलो दो कार्बन। ठीक है एन एथे, एन शब्द आ रहा है ना बीच में, एथे नोइक, ए नोइक है ना, एन शब्द बीच में आ रहा है, मतलब सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सिंगल होंगे, लेकिन इसका जो है मेटर थोड़ा सा दूसरा है, ये जो है सी डबल ओ समूह है, है ना, क्या है कैसे है ये जो है, क्या है क्रियात्मक समूह, ये तीनों भाई हैं, है ना, इस वजह से। ठीक है अब इसकी चारों वैलेंसी फ्री है, ठीक है टू, हाँ सही है टू क्लोरो, अब कौन सी, इसको एक मानूंगा मैं तो ये कौन सा नंबर का हो गया, दूसरे नंबर का हो गया, तो यहां पर मैंने क्या जोड़ दिया, अरे बोलो, अब इसकी वजह से तो आ गया ओइक अम्ल, इसकी वजह से तो क्या आ गया ओइक अम्ल, इसकी वजह से आ गया टू क्लोरो, बचा क्या हाइड्रोजन, अब इसका नाम क्या हो गया टू क्लोरो एथेनोइक अम्ल। तेरे को क्या डाउट है, तेरे शक्ल पे लिख रहा है कुछ ना कुछ समझ में नहीं आया तेरे, हाँ कुछ 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 तो लगा, हाँ हाँ बोल, आया समझ में, ये वाला नहीं आया, सबसे पहले कितने हैं, एट मतलब दो, एन मतलब सारे सिंगल बोन, तो मैंने क्या किया सारे सिंगल बोन बना दिए। अब ये ओई कमल का मतलब होता है सी डबल ओएच, ओई कमल का मतलब क्या है, तो मैं यहां पर सी डबल ओएच लिख दूंगा, ये समझ में आ जाएगा तुम्हारे, मैं जो वो दूंगा ना उससे समझ में आ जाएगा। ठीक है फिर उसके बाद में कौन सी स्थिति पर, अब इसको अगर मैं पहला कार्बन मानूंगा तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा, दूसरा कार्बन होगा, दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है क्लोरो, क्लोरो मतलब क्लोरीन। ठीक है और बाकी सब जगह पर क्या जोड़ देंगे, हाँ तेरे क्या दिक्कत है सर, CWH को कार्बिनोल बोलते हैं ना, कार्बिनोल बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, हाँ कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, लेकिन हम अभी क्रियात्मक समूह मान रहे हैं ना तो अपन तो वही अम्ली शब्द यूज करेंगे ना। ठीक है वैसे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है, ठीक है नहीं कार्बिनोल शब्द अलग हो गया, कार्बिनोल जो है वो अलग हो गया, सिंगल कार्बन के लिए होता है वो एल्कोहल वाले के लिए है ना, ये अलग है। ठीक है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, आगे एक चले, हाँ सी टू, अरे नहीं नहीं ये जो है अपन ने नंबरिंग करके समझाया था ना मैं, दूसरी जगह पर कार्बन जुड़ा हुआ है ना। अगला देखो ये क्या है, अरे इधर देखो नेक्स्ट फाइव आइडो डेक मतलब कितने थे, दस
दस मतलब एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और आगे बात समझ में, कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है? एक दो तीन चार पाँच, मैं यहाँ पर जोड़ूं एक दो तीन चार, बात ज्यादा है, दो दो चार दो छ दो आठ दो दस, क्या हो गया? हाँ हाँ सही है सही है सही है सही है, इधर से जोड़ूंगा इधर से गिनूंगा तो एक दो तीन चार पाँच, पाँच क्यों आ रहा है? नहीं नहीं नौ में पाँच बीच में आएगा, दस में तो छः चार ही रहेगा। हाँ हाँ नौ में तो पाँच ही बीच में, ओ तुमने सुना होगा इधर से काउंट के गिनते एक दो तीन चार पाँच और जो है दस नौ आठ सात छः छः और पाँच कितने हो गए, वो वाली कंडीशन हो रही है। तुम ध्यान मत दो, किधर से भी गिनो पाँचों नंबर पर हमको जोड़ देना है, ठीक है? पांचवें नंबर पर जोड़ दिया, पांचवें नंबर का कार्बन ये है, मैंने यहां पर क्या जोड़ दिया? आयोडीन। क्या जोड़ दिया? आयोडीन। अब क्या करना है? डेकेन मतलब एन, एन मतलब सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है मतलब सबके साथ क्या जोड़ देना है? अरे बोलो हाइड्रोजन, ठीक है? आ गया समझ में? कौन ऐसा है जिसके दस के दस नाम सही है? एक, नो, नो कितनों के सही है? आठ, 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 सात, सात, छः, पाँच, चार, तू सब पे खड़े कर ले, चार, तीन, दो, एक, एक, जीरो, तुम दोनों का भी एक भी सही नहीं गया, तेरा भी एक भी सही नहीं गया, तेरा भी एक भी सही नहीं गया, समझ में तो आया ना? न्याय समझ में, नाम ही समझ नहीं आया तेरे? अरे अभी बोर्ड पे समझ आया नहीं? आगे समझ में, उतारो इनको जल्दी से, उतार लो, मैं ये ऑफ कर रहा हूँ।